हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलबर्गा हेडलाइंस। गुलबर्गा शहर में एक तरफ पॉलिटिकल लीडर्स एमपी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ गुलबर्गा के अवाम पानी के बूंद बूंद को तरस रही है। अफसोस की बात तो यह है, वार्ड नंबर 4 बिलालाबाद की अवाम पिछले 5 साल से अब तक अपने एरिया के कॉर्पोरेटर को नहीं देखी। कारपेंटर साहब को बुलाते हैं, घड़ी घड़ी आओ हो रही, आ रहे नहीं, क्या नहीं, क्या करना हम लोग गरीबा। यहाँ खमर इकबाल अहमद, हाँ, 3-4 साल इतना चल रहा पानी का, खाली वोटिंग के वक्त आते ही हो गया बस खलास, उसके बाद में हमें बम मार लेते बैठना, कैसा चलेगा भाई, जरा संभालो। बस कारपेंटर कौन है किसको नहीं मालूम, ये औरतों को पूछो, सीनियर जितने भी घर के अंदर बैठे हुए कोई कारपेंटर को देखे नहीं लोग, जब से यहाँ से जीते हुए हैं कारपेंटर, कोई कारपेंटर आया नहीं यहाँ तक, हाँ जीत के गए, खत्म हो गई बात, घरों में जा रहे हैं, 4 बजा रहे, 5 बजा रहे, उसको भेजूं मैं, इसको भेजूं, अब तक कोई नहीं आया, अब तक कोई नहीं आया, खाली उनकी याद आ रही है, उन आए नहीं उन, अब तक नीचे की गली को पानी आता, ऊपर की गली का आता, बीच में उनको कनेक्शन देने 9 महीने से नहीं हो रहा, 12 महीने से, ये गली बिला पापड़ गली है, 9-12 महीने हो गया, हरामखोरों को बोल बोल के थक गए, अब ये पूरे महल्ले के 500,000 मिल के आके उनके ऑफिस में तालाब डालने वाले हैं, समझे, इलेक्शन चल रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है हमको मतलब नहीं, पानी से मतलब है, पानी देने को तैयार नहीं, हरामखोर बच्चों को बोल बोल को थक गए, इधर का कारपेंटर ना आने को तैयार ना जाने को तैयार, समझे, कौन है कारपेंटर इकबाल अहमद शिन्नी फरोशी, आने को तैयार नहीं, जब इलेक्शन में जब खड़े हुए जो वोट लिए तो आना, कम से कम पूछ रहा पानी है नहीं, उनके घर में पानी नहीं रहा क्या करते हो ना, समझना, अकल करने की चीज ना है लोगों में, इतना परेशान है लोग, पूरे छोटे बड़े सब परेशान है, समझे, इतनी तकलीफ हो रही है, हम बोल रहे पानी ऑटो में टमटम में साइकिलों में घरों में ला रहे पानी है, गली में नीचे की गली का आ रहा है, ऊपरी गली का आ रहा है, बीच की गली कनेक्शन देने नहीं हो रहा उन लोगों को, कितने दिन हो गया, 12 महीने हो गया, हमको तकलीफ हो रही है, हम बोलते हैं समझ में नहीं आता लोगों को। उसके अलावा क्या है, 4 दिन में एक बार छोड़ता है, 2-3 घड़े पानी आता है, बंद होता है नल, और औरतें गली गली भागते घड़े लेकर, ऐसा है, कोई ऐसा बुरखे ओढ़े के औरतें सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़ते ही घरे घर जाते हैं कि 2 मटकियों की आस पानी की मिल जाएगी बोल के, कोई पानी देने तैयार नहीं, किसी के घर में 2 मटकी पानी नहीं आ रहा, कारपेंटर को इकबाल अहमद शरीफ साहब को फोन करते, उन्होंने बोलते चुन्नू को बोलो, चुन्नू क्या एरिया का कारपेंटर है, यहाँ हमारे जेब के पैसों से खर्चा करके एक्स्ट्रा कनेक्शन, पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं होगा, हम जेब से खर्चा करके एक्स्ट्रा कनेक्शन लगाए, वो भी आके कट करके चले गए, घरों में से बुरखे ओढ़ लेके औरतें जो है बाहर रोड पे आके ठहरते पानी लेने, क्या उनकी माँ बहन अगर रही तो इसी बाहर छोड़ दे वो लोग पानी के लिए, सबके नाला है ना, सब कुछ छोड़ देना पानी, जिसके घर आने में जैसी बैठते हैं, देखो पानी का तकलीफ है, कुछ आप करने लगे तुम्हारे को, नहीं तो कौन बोलता है, कोई जरूरत नहीं है बोलने की, नल रखो पैसा भर, घर में पानी देखो, बच्चा जवान जवान बैका को लेखो जा रही तो जरा तो भी ये होना पड़ता है, इज्जत रखना पड़ता है सबके भी, अपने कैसे माँ भाना रहती नहीं, दूसरिया को भी जरा वैसा देखना पड़ता है, हम क्या करना है बोलेगा, कॉर्पोरेटर साहब हैं, मैडम हैं, मतलब इकबाल अहमद शिरनी फरोज साहब की बहू है, वो आज तक भी क्या है मालूम है, इकबाल अहमद सड़गी साहब हमारे इकबाल अहमद शिरनी फरोज साहब भी क्या है मालूम है, तकरीबन 2 साल से यहाँ का सर्वे वगैरह कुछ भी नहीं किए और ना कोई काम किए हैं, लिहाजा उनसे गुजारिश है, और प्रेजेंट MLA जो हमारे कनीस फातिमा साहिबा हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप भी क्या है मालूम है इलेक्शन के टाइम पर मत आइए, मेहरबानी फरमा के क्या है मालूम है लोगों की तकलीफ को पहचानिए, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, बुरखा पोश खातिन क्या है मालूम अपने अपने घरों से निकल कर पानी भर रहे हैं, ये ज़्यादा तकलीफ है खातिन को, जो निकल के पानी सुबह सुबह पानी की है ना जो फिक्र चल रही है, ये यहाँ पे तकरीबन 2 साल से तकलीफ है, यहाँ पर कोई नाली साफ करने का नहीं है, ना कोई कॉरपोरेशन का SI आने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई कॉर्पोरेटर आने वाला नहीं है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, सिर्फ आने का है, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते करते हुए आपका कीमती वोट हमारी पार्टी को दियो, कांग्रेस को वोट दिए तो तुम्हारे घर चलते, कांग्रेस को वोट दे तो तुम्हारा पानी मिलता, कांग्रेस को वोट दे तो ये होता, कांग्रेस पार्टी से हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, हाँ अभी के फिलहाल जो पोजीशन है इतना खतरनाक पोजीशन है, ये जितने भी औरत दिख रहे सुबह 5 बजे उठकर घर का चूल्हा नहीं सिलगाते हैं लोग, 5 बजे उठकर पूरे एरिया में फिरते हैं, आप सुबह में आकर भी देख सकते हैं,
आप आकर देख सकते हैं। हमारी इतना ही है कि हमको पानी का सहूलत कर दे, इतना ही, इससे ज्यादा हमारे कुछ भी नहीं है।